In last lectures we have studied the life cycle of five groups of plant kingdom, and the five groups are thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. And we have learned that there are number of variations in their life cycle and because of which they are different from each other. But what is common in all these five groups is that they have in their life cycle two life forms. सभी प्लांट ग्रुप्स में, सभी पांच जो ग्रुप्स हमने पढ़े हैं उनमें दो तरह के लाइफ फॉर्म्स एसेंशियली बनते हैं. वन लाइफ फॉर्म इज नोन एज गैमेटोफाइट एंड अनदर लाइफ फॉर्म इज नोन एज स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट एक ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जो हैप्लोइड होता है, जिसकी सभी सेल्स हैप्लोइड नेचर की होती हैं, और इसका एक फंक्शन जो रहेगा, द फंक्शन ऑफ दिस गैमेटोफाइट इज टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स. दीज मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच विल पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस प्रोसेस. ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैमेटोफाइट खुद हैप्लोइड है, इसीलिए जब मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है तो वो माइटोसिस प्रोसेस से, जो एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है उसकी डॉटर सेल्स में, जब एक पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है उस वक्त डॉटर सेल्स में उतना ही क्रोमोसोम का नंबर रहेगा जितना कि उसके पेरेंट सेल में था. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. तो गैमेटोफाइट माइटोटिकली डिवाइड करता है जिससे कि मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन हो. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनने के बाद, यानी जो स्पेशलाइज सेल्स का प्रोडक्शन हुआ है, इसके बाद एक इवेंट होता है जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन और द फ्यूजन ऑफ दिस मेल एंड फीमेल गैमेट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ए सेल विच इज नोन एज जायगोट. क्योंकि ये जो जायगोट सेल है, सिंगल सेल, इट इज हैविंग द डीएनए और जेनेटिक मेकअप फ्रॉम द टू सेल्स. यहाँ से एक मेल गैमेट से डीएनए इस सेल को मिला है और दूसरा फीमेल गैमेट, दोनों सेल्स का डीएनए जो कि जायगोट में है, एक सेट इन्हें मेल गैमेट से मिला और एक क्रोमोसोम्स का सेट इन्हें फीमेल गैमेट से मिला, इसलिए जायगोट एक डिप्लॉयड सेल होती है. ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट, फिर उसके बाद फीमेल गैमेट, जो ये भी हैप्लॉयड लिख सकते हैं आप. These are two haploid cells. यहाँ तक की जो life form है ये, इसकी gametophytic stage बोली जाती है, जिसमें gametophyte ने gametes बनाए हैं. लेकिन fusion के बाद, fusion या fertilization या syngamy के बाद जो ये cell बनी है, ये एक diploid cell है और this is the first cell of another life form known as sporophyte. Gametophyte gametes तक बनाने तक जो जितना फेज है, इतनी स्टेज गैमेटोफिटिक स्टेज हुई. लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का फेज है, लाइफ फॉर्म है, उस प्लांट बॉडी में वो शुरू होता है और उसके सबसे पहले सेल का नाम होता है जायगोट, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है. गैमेटोफिटिक स्टेज में, यहाँ तक अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ये स्टेज सारी हैप्लॉयड नेचर की है. अब इससे आगे जब जायगोट बन जाता है, जो एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें डिविजन होते हैं, माइटोसिस डिविजन्स. अगर ये मल्टी सेलर प्लांट बॉडी है तो इसमें बहुत सारे सेल्स का प्रोडक्शन जरूरी है, तो ये जायगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक लाइफ फॉर्म बनती है, प्लांट बॉडी बनती है, जिसको आप स्पोरोफाइट का नाम देते हैं. यहाँ हमने गैमेटो वर्ड लगाया था, इसका मतलब ये गैमेट प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग प्लांट था, जबकि यहाँ पे स्पोरोफाइट लगा रहे हैं तो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है ये. इसका काम है स्पोर प्रोड्यूस करना, इस प्लांट बॉडी का काम होता है गैमेट प्रोड्यूस करना. ये हैप्लॉयड स्टेज है सारी, और अब शुरू हुई है डिप्लॉयड स्टेज, जिसके सबसे पहले सेल जायगोट है. जायगोट से ये स्पोरोफाइट बनता है, प्लांट बॉडी बनता है, और अब क्योंकि स्पोरोफाइट एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है या ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हम अभी मल्टी सेलुलर बॉडी की बात करते हैं. मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विल डिवाइड, इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिसमें मियोसिस होगी. मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो
हो जाता है, इसलिए म्यूसिस प्रोसेस से अब इसने चार स्पोर्स बनाने हैं और पर सेल फोर स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। जितनी भी सेल्स हैं जो स्पोर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, हर सेल से चार स्पोर्स बनेंगे। ये सभी चार स्पोर्स हैप्लॉइड नेचर के होंगे, और जब एक बार ये हैप्लॉइड स्टेज यहाँ तक हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए हैं, तो अब इसके बाद दोबारा से ये प्लांट प्रोटीन बनेगी, जिसको आप गैमेटोफाइट कहते हैं। आप देख रहे हैं गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स दे अल्टरनेट विद ईच अदर, वन इज फॉलोड बाय अनदर फॉर्म। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बॉडी, अगर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, मैंने कहा था गैमेट प्रोडक्शन तक ये गैमेटोफिटिक स्टेज है, तो जायगोट से लेके और स्पोर प्रोडक्शन तक ये इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज है। स्पोर बनने के बाद जैसे यहाँ पर कहा था गैमेटोफाइट से जब जायगोट बन जाता है फ्यूजन के बाद, तो सबसे पहले स्पोरोफिटिक स्टेज को शुरू करने वाली सबसे पहली सेल का नाम क्या रखा गया था, जायगोट। लेकिन अगर हम कहें कि गैमेटोफाइट को शुरू करने वाली सबसे पहली सेल कौन सी है, तब हम यहाँ पे कहेंगे स्पोर्स। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और उससे फिर एक ही प्लांट बॉडी बनी गैमेटोफाइट, और इसी तरीके से जायगोट डिप्लॉइड सेल है, उससे स्पोरोफाइट बनता है। इस तरीके से ये अल्टरनेशन जनरेशन की चलती रहती है। अब क्योंकि हमारे पास पांच ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम में, तो उन सभी प्लांट फॉर्म्स में, सभी प्लांट्स की लाइफ साइकिल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, और हम कहते हैं कि ये दो तरह की स्टेजेस सभी प्लांट ग्रुप्स में आती हैं जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तब कुछ वेरिएशन उनकी लाइफ साइकिल में नोटिस किए जाते हैं, और उन्हीं लाइफ साइकिल्स में वेरिएशन की वजह से दे कैन बी हैव और दे कैन बी क्लासिफाइड टू हैव थ्री डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं, इन स्टेजेस में कौन सी स्टेज डोमिनेटिंग है, क्या ये वाला फेज ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, क्या ये वाला स्टेज ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, या कोई इंटरमीडिएट कंडीशन है, इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी जो लाइफ साइकिल है उसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इस वीडियो में हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनमें एग्जाम्पल जरूर दे देते हैं उन पांच ग्रुप्स में से किन ग्रुप्स को हम इन तीनों कैटेगरीज में रखने वाले हैं। सबसे पहला जो मेंबर है थैलोफाइटा, यानी जिसमें जो कॉमनली जिसको आप एल्गी के नाम से जानते हैं, उनकी लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक होती है, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। इसका मतलब इनकी स्टेज, इनकी लाइफ साइकिल में डिप्लोइड स्टेज या स्पोरोफिटिक स्टेज ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। और तीसरा है हैप्लोडिप्लोन्टिक, इसको आप एक तरह से इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल में कुछ पार्ट हैप्लोइड और कुछ डिप्लोइड पार्ट, इन दोनों में डोमिनेटिंग हैप्लोइड और इसमें डिप्लोइड है, लेकिन यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट स्टेज की बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इसमें आप दे सकते हो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का। तो पांच ग्रुप्स में से थैलोफाइटा यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, और इस हैप्लोडिप्लोन्टिक में हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को स्टडी करते हैं। आज हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट बॉडी बनाई है, ये एल्गी को रिप्रेजेंट करती है। वैसे तो ये इसके अगर आप सेल्स को ध्यान से देखेंगे, एक फिलामेंटस बॉडी बनाई गई है, फिलामेंटस एल्गी है। आपको मालूम है एल्गी कैन बी यूनिसेलर, एज वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला का हम एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फिलामेंटस मल्टीसेलर बॉडीज होती हैं, और ये फिलामेंट
दिखाया गया है, आप इसके अंदर जो सेल्स दिखाई गई हैं इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की शेप दिखाई गई है उससे आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, ये एक एल्गी है जिसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं। तो अब ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी कि अगर हम कहें कि इसकी प्लोइडी क्या है, तो जैसे यहाँ कहा था गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, तो ये हैप्लॉइड नेचर की है। अब क्योंकि इन फिलामेंट्स को आपने देखा है ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर फ्री लिविंग, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और सबसे खास बात, ये एक डोमिनेटिंग स्टेज है, यानी कि आगे आपको कहा जाए कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो ये इन दोनों फेजेस में से सबसे ज्यादा चलने वाली स्टेज है। तो ये हुआ गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग डोमिनेंट हैप्लॉइड बॉडी हैविंग ए लॉन्गर लाइफ स्पान। अब इस प्लांट बॉडी जिसको आप गैमेटोफाइट कहते हैं, इसका काम है गैमेट प्रोडक्शन करना। आपको बताया गया था गैमेट्स क्योंकि खुद हैप्लॉइड है, तो ये माइटोसिस प्रोसेस से गैमेट्स प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पे मैंने दो गैमेट्स दिखा दिए, मेल फीमेल गैमेट्स, ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होकर एक सेल बनाएंगे जायगोट। और क्योंकि फ्यूजन प्रोडक्ट है जायगोट, दोनों का डीएनए इसमें आ जाता है, दोनों के क्रोमोसोम्स के सेट इस जायगोट के पास है, तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये डिप्लॉयड है। अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट इस लाइफ साइकिल को हैप्लोइडिक टाइप बनाता है, आपको कहा था जब जायगोट बनता है जैसे यहाँ पे, तो इसके बाद माइटोसिस से एक मल्टी सेलर बॉडी बननी चाहिए जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हैं। लेकिन एल्गी के केस में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला, ये एक सिंगल सेल है जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इस सिंगल सेल से इमीडिएटली या हो सकता है ये डोरमेंट हो जाए उसके बाद, कभी भी इस सिंगल सेल से अब कोई मल्टी सेलर बॉडी नहीं बनने वाली है, ये डायरेक्ट या कुछ टाइम के बाद रेस्टिंग स्टेज के बाद मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड हो जाता है ये सेल, और इससे चार हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। देखिए ये स्टेज यहाँ पर भी हमने कहा था कि ये जो स्पोरोफाइट है कुछ खास स्ट्रक्चर डेवलप करेगा और उससे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन ये स्पोर्स किस स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, इसे हम सिंगल एको सेल है जायगोट, मतलब यहाँ पर कोई प्लांट बॉडी आपको अलग से नहीं दिखाई दे रही है, यू कैन जस्ट सी दिस सिंगल सेल ओनली जायगोट है। तो इस जायगोट को अगर यहाँ से कंपैरिजन करते हैं इस लाइफ साइकिल से, जो हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की थी, यहाँ तो हम कह रहे थे कि प्लांट बॉडी बनेगी और जायगोट तो सबसे पहली सेल मानी जाती है स्पोरोफाइट की, तो वो सेल हमारे पास इस वक्त है यहाँ पर, लेकिन कोई प्लांट बॉडी नहीं बनने वाली है। दिस इज द ओनली सेल, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज द ओनली सेल रिप्रेजेंटिंग इट्स स्पोरोफिटिक स्टेज। यहाँ आप मत इमेजिन कीजिए कि कोई प्लांट बॉडी बनने वाला है, ये सिर्फ एक सेल ही रहनी है और इसमें इमीडिएट डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और फिर इन स्पोर्स से दोबारा से माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये मल्टी सेलर बॉडी बन जाएगी। तो अब इस पूरी लाइफ साइकिल में हमने दो चीजें नोट करनी है कि अगर इस तरह से लाइन लगा के बात करें तो गैमेटोफाइट स्टेज कौन सी और स्पोरोफाइट स्टेज कौन सी है। तो आप ये देखिए यहाँ तक ये गैमेटोफाइट है, फिर मेल गैमेट्स हुए, और सिर्फ इतना पोर्शन जो है इसका, ये जायगोट स्टेज जो है ये इसका स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्पोर्स से तो फिर बाद में इनकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये जायगोट से हैप्लॉइड स्पोर्स बनने तक की आप स्पोरोफिटिक जनरेशन मान सकते हैं, जिसके बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाएगी। तो कौन सा लाइफ साइकिल, कौन सा लाइफ फॉर्म ऐसा है जो ज्यादा लंबे टाइम तक है, डोमिनेटिंग है, जो आपको क्लियर कट दिखाई देता है, दिस इज द हैप्लॉइड स्टेज, ये इतना सारा स्टेज। और कौन सी ऐसी लाइफ फॉर्म है जो बहुत माइन्यूट है, बहुत कम टाइम के लिए इनकी लाइफ साइकिल में आई है, वो लाइफ फॉर्म इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज है, और दिस स्पोरोफिटिक स्टेज इन एल्गी इज जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल जायगोट, इसीलिए हम इसकी लाइफ साइकिल को हैप्लोइडिक कहते हैं, हैप्लोइड स्टेज ज्यादा लंबे टाइम तक है, स्पोरोफाइट तो बहुत कम टाइम के लिए इनकी लाइफ साइकिल में आती है। दिस इज हैप्लोइडिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ थैलोफाइटा मेंबर्स।
आर लाइक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, दीज आर टू एल्गी मेंबर्स विच आर हैविंग हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल। अभी आपने ना तो डिप्लोटिक पढ़ा है ना हैप्लोडिप्लोटिक, लेकिन अभी इस वीडियो में क्योंकि हम एल्गी से जुड़ी हुई डिस्कशन कर रहे हैं इसीलिए आप ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। डिप्लोटिक और हैप्लोडिप्लोटिक क्या होते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया दे आर हैविंग हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल नॉट द हैप्लोटिक। और इसी तरीके से एक और एल्गी है इसको आप फ्यूकस कहते हैं, फ्यूकस हैज डिप्लोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। तो तीन एग्जांपल जरूर याद रखने जो आपके एनसीईआर के टेक्स्ट बुक में है और ये है एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया विद हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल, फ्यूकस विद डिप्लोटिक लाइफ साइकिल। लेकिन जितने मेजोरिटी ऑफ द थैलोफाइटा मेंबर्स दे हैव हैप्लोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, हैप्लोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज हैविंग द डोमिनेटिंग फेज गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये जनरेशन डोमिनेटिंग होती है, स्पोरोफाइट बहुत कम टाइम के लिए बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर के फॉर्म में और जैसे कि सिर्फ जाइगोट के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाई देती है। सो आई होप दिस लाइफ